अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आम बहुत सीजन में है और सबको आम बहुत पसंद होता है। इसलिए हम आज मैंगो की आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। इसमें कोई पकाने का झंझट नहीं है कि गैस पे आपको कुछ पकाना है, सिर्फ आपका दूध बॉयल होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या सामान जाने वाला है। ये देखिए, हमने आधा लीटर दूध लिया है जिसको हमने बॉयल कर लिया था पहले से, और ये ठंडा दूध है। और ये एक कटोरी मलाई है, जो हमारे घर पे दूध उबलता है उसमें जो मलाई निकलती है ये वही है। ये हमारी दो दिन की मलाई है जिसको हमने दूध पर से उतार लिया था। और ये 6 चम्मच शक्कर है। ये हमने 2 दशहरी आम लिए हैं जो बहुत मीठे हैं, और इनको हमने छिलका उतार कर ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। आपको जो भी आम पसंद हो वो आम लीजिए आप, लेकिन बस वो मीठा होना चाहिए, उसमें रेशा बिल्कुल ना हो। और ये एक पार्ले जी है, ये हम पार्ले जी बिस्किट से आइसक्रीम बनाएंगे और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम का लगेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये पार्ले जी के बिस्किट निकाल लेते हैं। इस तरह से हम ये बिस्किट निकाल लेते हैं सारे। और इनको हम ये इस तरह से तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। सारे बिस्किट हमने ये देखिए टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। एक हम ब्लेंडिंग जार लेते हैं और सारे बिस्किट हम इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें हम ये 6 चम्मच शक्कर डालते हैं। और ये जो दूध लिया था हमने, इसमें से 1 चम्मच हम दूध इसमें डाल देते हैं और इसको हम ब्लेंड करते हैं। ये देखिए हमारा बैटर एकदम महीन हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें ये सारे आम डाल देते हैं। और ये जो दूध है सब इसमें जाएगा। दूध ठंडा होना चाहिए और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं सब मिला के। ये देखिए आइसक्रीम का मिक्स इतना स्मूथ बना है। अब हम इसमें मार्केट जैसा कलर लाने के लिए ये हमारा येलो फूड कलर है इसको डालते हैं। और बस इतना ही डालना है जितना ये चाकू की नोक पर है, बस। कलर ऑप्शनल है, आपका दिल करे डालें, आपका दिल करे ना डालें। और इसको हम एक बार और ब्लेंड करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा मिक्स किस तरह का बना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है। और इसमें जो एयर बबल्स आ गए हैं इसी से ये आइसक्रीम बहुत क्रीमी बनेगी। और अब हम इसमें ये जो हमने 1 कटोरी मलाई ली है इसको इसमें डाल देते हैं। और मलाई हमारी बहुत ठंडी होनी चाहिए। इसको हम मिक्सर जार में डालकर सिर्फ एक बार चलाएंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा चलाएंगे तो ये मलाई जो है इसमें मक्खन बन जाएगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब हम ये मलाई डालकर सिर्फ एक बार चलाएंगे। बस इससे ज्यादा हमको नहीं चलाना है। ये देखिए कितना क्रीमी और स्मूथ हमारा मिक्स तैयार हुआ है। अब इस तरह का हम एक एयर टाइट कंटेनर लेते हैं
और इसमें जो सारा हमारा मिक्स तैयार है हम इसमें डाल देते हैं। और इसको इस तरह से टैप करते हैं। और ये हमारे पास दूध की थैली है, इसको हम इस पर कवर करते हैं। आप चाहें तो इसको किसी एल्युमिनियम फॉइल से ढक दें, चाहे आप किसी पॉलिथीन की शीट से ढक दें। और अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं अच्छे से। अब हम इसको 2 से 2.5 घंटे तक फ्रीजर में रखते हैं। चलिए मिलते हैं 2 से 2.5 घंटे के बाद। 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमने फ्रीजर से आइसक्रीम का मिक्सचर निकाल लिया है। चलिए देखते हैं ये कितना फ्रीज हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये सेमी फ्रीज हो चुकी है आइसक्रीम। इससे ज्यादा हमको फ्रीज नहीं करना था। अब हम इसको मिक्सर जार में फिर से हम चला लेते हैं और अच्छे से इसको एयर बबल्स आने तक ब्लेंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जमी है, कुछ जमी है, कुछ लिक्विड है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक चला लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको मिक्सर जार में 2 से 3 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे एयर बबल्स आ गए हैं। और अब हम इसको उसी कंटेनर में निकाल लेते हैं। और फिर हम इसको एक बार टैप करते हैं। वही पॉलीथीन की शीट को हम इसके अंदर थोड़ा करके लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर बर्फ ना जमे। इस तरह से। और हम इसको अब कम से कम 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चलिए इसको हम रखते हैं फ्रीजर में और मिलते हैं आपसे कम से कम 8 घंटे के बाद। 8 घंटे हो चुके हैं और हमने अपनी आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है। चलिए देखते हैं कि आइसक्रीम कैसी जमी है। परफेक्ट। देखिए बहुत अच्छी आइसक्रीम जम चुकी है। अब हम इसको स्कूप आउट करते हैं। ये देखिए हमारी माशाल्लाह मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है। कोई कह सकता है कि इसको पार्ले जी बिस्किट के साथ बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे इंशाल्लाह जरूर ट्राई करें और इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।